नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, विवेकानंद क्लासेस उदयपुर से मैं डॉक्टर भावना शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत साहित्य का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आधुनिक संस्कृत कवि। देखिए, आधुनिक संस्कृत कवि से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जाता है। तो देखिए, आगामी जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हमारे राजस्थान की होने वाली है तथा प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा, दोनों ही परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से आधुनिक संस्कृत कवि का पठन करना अनिवार्य है। तो देखिए, आज हम यहाँ पढ़ेंगे एक विशेष कवि के बारे में जिनका की नाम है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। देखिए, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी उपाधियां एवं उपलब्धियां, इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का व्यक्तित्व क्या है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने मथुरानाथ, इनका मूल नाम लिख दिया है। देखिए, इनके मूल नाम में जो ऊ की मात्रा है उसको आपको थोड़ा सा घुमाकर नो जैसा करना है, क्योंकि ये जो कवि हैं उनकी संपूर्ण विषय वस्तु को 5 मिनट में याद करवाने का प्रॉमिस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो ट्रिकी तरीके से पूरा कवि पढ़ेंगे हम। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री में जो ऊ की मात्रा है उसे हमें करना है कैसा, नो जैसा। अर्थात मथुरानाथ शास्त्री में ऊ की मात्रा को कुछ नो जैसा दिखा दीजिए, ये इनका हो जाएगा जन्म वर्ष। देखिए, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म वर्ष क्या है तो आपको याद करना है सन 1889, और ये नो का आंकड़ा हमें इनके नाम से प्राप्त हुआ है। देखिए, दिनांक की बात करें तो 23 मार्च सन 1989 को जन्मे हैं संस्कृत के एक महाकवि जिनका की नाम है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इनके जन्मस्थल की बात करें, जन्मस्थल एवं कर्मस्थल, इनका जन्मस्थल एवं कर्मस्थल दोनों ही कौन हैं, दोनों ही जयपुर नगर हैं। ध्यान दीजिएगा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म हुआ है वर्ष 1889 में, इनका जन्मस्थल और कर्मस्थल दोनों ही कौन हैं, जयपुर हैं। देखिए, ट्रिक के माध्यम से इनका व्यक्तित्व याद करेंगे। इनका नाम है मथुरानाथ शास्त्री, तो मूल नाम में से सारे ट्रिक निकालेंगे। मूल नाम है इनका मथुरा। हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि मथुरा जा, अर्थात कोई व्यक्ति मथुरा जाएगा तो उसे कहेंगे मथुरा जा। और मथुरा कोई व्यक्ति कहाँ से जाएगा, अपने मुख्य द्वार से जाएगा। तो जा से याद करना है जानकी देवी, जा से याद करना है जानकी देवी, जो कि इनकी माता का नाम है। पिता का नाम है द्वार, अर्थात द्वारका प्रसाद। पिता का नाम है द्वारका प्रसाद। और इनकी पत्नी का नाम है र, अर्थात रमा देवी। रमा देवी इनकी पत्नी का नाम है। ध्यान दीजिएगा, यह है संपूर्ण व्यक्तित्व कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म हुआ है वर्ष 1889 में, जन्म स्थल एवं कर्म स्थल है इनके जयपुर। मथुरा जा अर्थात जानकी देवी, यह इनकी माता का नाम है। तथा कोई व्यक्ति मथुरा कहाँ से जाएगा, द्वार से, अर्थात द्वारका प्रसाद इनके पिता का नाम है। उसी प्रकार मथुरा में जो र आ रहा है उससे हमें याद करना है कि हमारी जो रमा देवी है वह इनकी पत्नी है। देखिए, ये था संपूर्ण व्यक्तित्व भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का। तत्पश्चात हम बात करेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के कृतित्व की, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो देखिए, रचनाएं लिखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जो कि अति महत्वपूर्ण है। हम लिखेंगे पिता भारती रत्नाकर ने, पिता भारती रत्नाकर ने वैभव की गाथा के, वैभव की
गाथा के ईश्वर रस का भारत वैभवम प्रकाशित नहीं करवाया। देखिए संपूर्ण टेक है, पिता भारती रत्नाकर ने वैभव की गाथा के ईश्वर रस का भारत वैभवम प्रकाशित नहीं करवाया। इस ट्रिक के माध्यम से संपूर्ण प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रंथों का संकलन हमने एक सेकंड में याद कर लिया है। देखिए यहाँ पर हम दो प्रमुख संस्कृत कवियों की बात करेंगे। एक हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो कि पिताजी हैं, तो इनके लिए हमने लिखा है पिता। पिता अर्थात कौन? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। पिता अर्थात कौन? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदय हमारे पिता हैं, क्योंकि आधुनिक कवि के संदर्भ में हमें कलानाथ शास्त्री भी पढ़ना है और कलानाथ शास्त्री इनके पुत्र हैं। तो जितनी भी आधुनिक कवि हम पढ़ेंगे वहां हमने जब जब भी पिताजी बोला तो तात्पर्य होगा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, और यदि हम कहेंगे पुत्र तो हमारा तात्पर्य होगा कलानाथ शास्त्री। तो पिता अर्थात भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। देखिए भारती और रत्नाकर ये दोनों दोनों कौन हैं? ये दोनों पत्रिकाएं हैं जिनका कि पिताजी ने संपादन करवाया था, अर्थात भट्ट मथुरानाथ द्वारा शास्त्री द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा भारती पत्रिका एवं रत्नाकर पत्रिका। तत्पश्चात बात करेंगे वैभव की। वैभव का तात्पर्य है, देखिए हम राजस्थान निवासी हैं और राजस्थान निवासियों के लिए जयपुर अपने आप में गौरवान्वित महसूस करवाने वाला स्थल है, अर्थात जयपुर हमारे लिए गौरव की बात है। तो हम बात करेंगे प्रथम ग्रंथ की जो कि है जयपुर वैभवम। जयपुर वैभवम देखिए जयपुर में साहित्य बहुत अच्छा मिलता है, अर्थात बहुत प्रकार के पब्लिकेशन हैं जो कि साहित्य छापते हैं और बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में साहित्य वहाँ लिखा भी जाता है और बहुत अनेक प्रकार की पुस्तकें वहाँ प्राप्त होती हैं। तो दूसरी पुस्तक हो गई हमारी साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, और तीसरी पुस्तक का नाम है गोविंद वैभवम, अर्थात जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है जो कि सुप्रसिद्ध है। तो जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम और गोविंद वैभवम ये तीनों ही हमारे लिए वैभव की बात है। तो इस प्रकार हमने याद कर दिया तीन प्रमुख पुस्तकों के बारे में। इसके पश्चात हम बात करेंगे गाथा। गाथा से दो पुस्तकें हैं, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती एवं गाथा रत्न समुच्चय। गाथा सप्तशती एवं गाथा रत्न समुच्चय ये हो गई दो प्रमुख गाथा ग्रंथ। इसके पश्चात हम बात करेंगे ईश्वर। ईश्वर का तात्पर्य है एक प्रमुख महाकाव्य जिसका कि नाम था ईश्वर विलास महाकाव्य। ईश्वर विलास महाकाव्य पर इनकी टीका का नाम है विलासिनी टीका। ईश्वर विलास महाकाव्य पर इन्होंने एक टीका लिखी है जिनका नाम है विलासिनी टीका। इसके पश्चात बात करेंगे रस। रस का तात्पर्य है रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया रस गंगाधर। रस गंगाधर में देखिए रस शब्द है और रस बहुत ही सरल होता है पीने में भी और पचाने में भी, तो आपको याद रखना है रस सरल है। तो रस पर इनकी जो टीका है उसका नाम है सरला टीका। फिर हमने लिखा है का तात्पर्य है कादंबरी जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। कादंबरी पर इनकी जो टीका उपलब्ध होती है उस टीका का नाम है चषक टीका। उस टीका का नाम है चषक टीका। यदि आपसे पूछा जाए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा लिखी गई प्रमुख टीकाओं के नाम कौन से हैं, तो ईश्वर विलास महाकाव्य पर विलासिनी टीका, रस गंगाधर पर सरला टीका और कादंबरी पर चषक टीका।
ये प्रमुख तीन टीकाएं भट्ट मथुराना शास्त्री के द्वारा रचित हैं। तत्पश्चात लिखा है, भारत वैभवम प्रकाशित नहीं करवाया, अर्थात भट्ट मथुराना शास्त्री ने भारत वैभवम नामक काव्य की रचना तो कर दी थी, किंतु मृत्यु हो जाने के कारण यह भारत वैभवम नामक ग्रंथ प्रकाशित नहीं करवा सके। इसीलिए हमने ट्रिक में लिख दिया है कि भारत वैभवम प्रकाशित नहीं करवाया। तो देखिए, भारत वैभवम प्रकाशित इसलिए नहीं करवा सके क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु तब होती है जब मन में कोई समस्या चल रही होती है। देखिए, हम बात कर रहे थे कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है, और मृत्यु हो चुकी थी हार्ट अटैक से, हृदय गति रुकने से अथवा हृदयघात से। हृदयघात से मृत्यु हो गई है, अर्थात हार्ट अटैक से जब मृत्यु होती है तो उसका मुख्य कारण है कि मन में कोई समस्या चल रही होती है, अर्थात टेंशन। मन में कोई समस्या चल रही होती है तभी हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। तो हम कह रहे हैं कि भारत वैभवम हमने इसलिए प्रकाशित नहीं करवाया क्योंकि हृदय घात से अर्थात हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, और हार्ट अटैक तब होता है जब मन में कोई समस्या चल रही होती है। तो मन से याद करना है मनोलहरी, और समस्या से याद करना है समस्या संदोह, समस्या संदोह। तो देखिए, मनोलहरी और समस्या संदोह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की दो अन्य कृतियां हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार की कृतियां हैं, अर्थात इनका काव्य प्रकार कौन सा है, तो याद रखना, कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि मनोलहरी एवं समस्या संदोह ये दोनों ही मुक्तक श्रेणी के काव्य हैं। ये दोनों ही मुक्तक श्रेणी के काव्य हैं। मुक्तक श्रेणी का तात्पर्य है कि इसमें प्रत्येक श्लोक अपने आप में पूर्ण है, किसी एक श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई संबंध नहीं है, अर्थात सभी श्लोक मिलकर कोई स्टोरी, कोई कथा वस्तु नहीं बनाते। प्रत्येक श्लोक अपने आप में अलग है, जैसे कि भर्तृहरि का नीति शतकम्। तो ये दोनों ही मुक्तक श्रेणी के काव्य हैं। तो देखिए, ट्रिक के माध्यम से भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की संपूर्ण रचनाओं को हम एक स्थल पर ले आए हैं। ट्रिक का पुनः रिवीजन करेंगे। पिता भारती रत्नाकर ने वैभव की गाथा के ईश्वर रस का भारत वैभवम प्रकाशित नहीं करवाया। देखिए, पिता जब भी कहेंगे तो पिताजी हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भारती और रत्नाकर दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन करवाया था भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने। वैभव से तीन पुस्तकें प्राप्त होती हैं। हमारे लिए जयपुर वैभव की बात है तो जयपुर वैभवम, जयपुर में बहुत अच्छा साहित्य लिखा भी जाता है, पब्लिश भी होता है और बिकता भी है। तो साहित्य वैभवम, जयपुर में गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर है तो गोविंद वैभवम। इसके पश्चात बात करेंगे गाथा, अर्थात दो प्रकार के गाथा ग्रंथ हैं, एक है गाथा सप्तशती और एक है गाथा रत्न समुच्चय। तत्पश्चात हम तीन टीका ग्रंथों की बात करेंगे। ईश्वर अर्थात ईश्वर विलास महाकाव्य पर विलासिनी टीका, रस गंगाधर महाकाव्य पर सरला टीका तथा कादंबरी पर चषक टीका। इसके पश्चात हमने बात की कि भारत वैभवम प्रकाशित नहीं करवाया क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी हृदय गति रुकने से। हमने कहा कि हार्ट अटैक से मृत्यु तो तब होती है जब मन में कोई समस्या चल रही है, तो मन से मनोलहरी और समस्या से समस्या संदोह, ये दोनों ही प्रकार के मुक्तक श्रेणी के काव्य हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की उपाधियों के बारे में। देखिए, ये पिताजी हैं, ध्यान दीजिएगा, इनकी उपाधियों पर चर्चा कर रहे हैं। ये पिताजी हैं तो पिताजी की उपाधियां भी कैसी होंगी, बड़ी बड़ी होंगी। तो आपको याद रखना है कि इनकी उपाधि है कवि शिरोमणि, इनकी उपाधि है कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के कवि। देखिए, ये कवि हैं तो साहित्य लिखेंगे। एक अन्य उपाधि है साहित्य वारिधि, अर्थात साहित्य का महासागर। और इनका मूल नाम था भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, तो मथुरा से आपको याद करना है कि इनका एक अन्य नाम मंजूनाथ भी प्राप्त होता है। तो ये थी चार महत्वपूर्ण उपाधियां।
ये पिताजी हैं तो उनकी उपाधियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। जब हम इनके पुत्र कलानाथ शास्त्री की बात करेंगे तो उनकी उपाधि सरल और छोटी हो जाएगी, जैसे कि साहित्य पुत्र, वो स्वयं पुत्र हैं तो उनकी उपाधि भी साहित्य पुत्र इस प्रकार की रहेगी और छोटी रहेगी। ये पिताजी हैं तो इनकी उपाधियां भी कैसी रहेंगी, बड़ी बड़ी रहेंगी। तो यहाँ चार उपाधियों पर चर्चा की है, कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम, साहित्य वारिधि एवं मंजूनाथ। परीक्षा में कई बार पूछा गया है मंजूनाथ अथवा मंजूनाथ ग्रंथावली का संबंध किस कवि से है। तो ये थी प्रमुख उपाधियां। इसके पश्चात हम बात करेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहली उपलब्धि है जयपुर नरेश। मानसिंह द्वितीय, जयपुर नरेश मानसिंह द्वितीय द्वारा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को राज पंडित मनोनीत किया गया था। राज पंडित मनोनीत किया गया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री किस राजा के दरबार में थे, तो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर नरेश मानसिंह द्वितीय। कई बार प्रश्न पूछा गया है जयपुर नरेश मानसिंह द्वितीय के राज पंडित कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। किंतु यदि आपसे पूछा जाए, देखिए ये तो थे राज पंडित, किंतु यदि आपसे पूछा जाए कि जयपुर नरेश मानसिंह द्वितीय के राजगुरु कौन थे जिससे वह चर्चा एवं मंत्रणा करते थे, तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रमुख उपलब्धियों में एक उपलब्धि की हमने चर्चा की है कि जयपुर नरेश मानसिंह द्वितीय ने इन्हें राज पंडित मनोनीत किया था। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है पंडित बलदेव उपाध्याय। पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत साहित्य का इतिहास, पंडित बलदेव उपाध्याय ने इनके प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ में इन्होंने 1930 से लेकर 1960 तक के वर्ष को भट्ट युग नाम की संज्ञा दी है। कई बार पूछा जाता है भट्ट युग का संबंध किससे है अथवा भट्ट युग का काल क्या है, तो देखिए 1930 से लेकर 1960 के वर्षों को भट्ट युग अर्थात मथुरानाथ शास्त्री की रचनाओं का काल निर्धारित किया गया है। तो ये थी दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां। इसके साथ ही मैं छोटी सी ट्रिक याद करवाना चाहती हूँ। देखिए हमने बात की थी कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म मथुरा में, ऊ की मात्रा को हमने 9 जैसा दिखाया था, तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म हुआ था वर्ष 1889 में, अर्थात 23 मार्च 1989। अब देखिए 1960 को भट्ट युग है, अर्थात 1960 तक तो वे रचनाएं कर रहे थे, तो इनकी मृत्यु कब हुई होगी, आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु हुई होगी 60 के 4 वर्ष पश्चात अर्थात 1964 में। इसी से हम याद करेंगे, 1930 याद है हमें, तो 1930 से हम याद करेंगे कि 1900 इनका पुत्र जो है कौन, कलानाथ शास्त्री, इनके पुत्र का नाम है कलानाथ शास्त्री। तो कलानाथ शास्त्री का जन्म कब हुआ होगा, इन्होंने जब भट्ट युग जब अपना बना है 1930 में, उसके 6 वर्षों पश्चात अर्थात 1936 में जन्मे हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के सुपुत्र, जिनका की नाम है कलानाथ शास्त्री। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने यहाँ एकत्रित की हैं। पहला था इनकी उपलब्धि है जयपुर नरेश मानसी ने इन्हें अपना राज पंडित मनोनीत किया है, जबकि राज गुरु था सूर्य नारायण शास्त्री। इसके पश्चात हमने बात की है पंडित बलदेव उपाध्याय ने संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में 1930 से लेकर 1960 तक के वर्ष को भट्ट युग की संज्ञा दी है। इसके पश्चात तीसरी उपाधि की बात करते हैं,
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली ने पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के सभी ग्रंथों का संकलन करके मंजूनाथ ग्रंथावली मंजूनाथ ग्रंथावली नाम से इसे संपादित करवाया है। तो यदि आपसे पूछा जाए मंजूनाथ ग्रंथावली का संपादन किसके द्वारा करवाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली। या आपसे पूछा जाए मंजूनाथ ग्रंथावली किस कवि के रचनाओं का संग्रह है, तो सही उत्तर हो जाएगा मंजूनाथ अर्थात भट्ट मथुरानाथ। इसके पश्चात हम बात करेंगे चौथी उपलब्धि की। देखिए चौथी उपलब्धि यह है कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से संबंधित वर्तमान में एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री पुरस्कार। देखिए ये पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ, ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ है वर्ष 2014 से, और प्रथम व्यक्ति जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया उनका नाम है मोहन लाल पांडे। तो देखिए ये प्रमुख चार उपलब्धियां हमने यहाँ पर लिखी हैं। तीसरी उपलब्धि थी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली ने इनके संपूर्ण ग्रंथों का संकलन करके मंजूनाथ ग्रंथावली नाम से इसका संपादन करवाया। चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के नाम से एक प्रमुख पुरस्कार वर्तमान में दिया जा रहा है, यह 2014 से प्रारंभ हुआ है, जिसका पहला पुरस्कार मोहनलाल शर्मा पांडे इस नाम के आधुनिक कवि को दिया गया है। इसके पश्चात हम बात करेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास की, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का उपन्यास कौन सा है। देखिए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की पत्नी का नाम रमा देवी हमने लिखा था, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। दो व्यक्ति हैं जिनके उपन्यास हमें पढ़ने हैं, एक तो है पिता अर्थात भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और एक है पुत्र जिनका की नाम है कलानाथ शास्त्री। दोनों के ही उपन्यास में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमने व्यक्तित्व की चर्चा की थी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के, उसमें हमने बात की थी रमा देवी की, अर्थात रमा देवी इनकी पत्नी का नाम था। तो हम बात करेंगे कि इनके उपन्यास का नाम है कौन, आदर्श रमणी, अर्थात रमणी शब्द का तात्पर्य है पत्नी। तो जिसकी पत्नी का उल्लेख आया वो तो ग्रंथ लिखेगा आदर्श रमणी। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कलानाथ शास्त्री और कलानाथ शास्त्री की पत्नी का कोई उल्लेख नहीं आया है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं, पिताजी लिखेंगे आदर्श रमणी जबकि पुत्र लिखेगा जीवनस्य पृष्ठद्वयम् नामक उपन्यास। तो देखिए ये थी संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी जो कवि हैं हमारे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री उनसे संबंधित। सबसे पहले भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से संबंधित हमने चर्चा की थी कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का व्यक्तित्व क्या है, तो ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया था कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री में ऊ की मात्रा को नौ जैसा दिखाना है और ये नौ ही हमारा बनेगा 1889 अर्थात 23 मार्च 1889 को उनका जन्म हुआ है, जबकि मृत्यु इनकी हुई है 4 जून 1964 को इनकी मृत्यु हुई है। हमने याद किया था कि इनका मूल नाम है मथुरानाथ अर्थात मथुरा जा से याद करना है जानकी देवी और द्वा से याद करना है द्वारका प्रसाद। तत्पश्चात हमने याद किया था
इनकी प्रमुख कृतियों को, इनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से हमने दिखा दी थी। इसके पश्चात हमने बात की थी इनकी प्रमुख उपाधियों की, जो कि चार हैं, कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम, साहित्य वारिधि एवं मंजुनाथ। इसके पश्चात हमने चर्चा की थी इनकी प्रमुख चार उपलब्धियों की, कि ये जयपुर नरेश मान सिंह के राज पंडित थे, जबकि राज गुरु थे सूर्य नारायण शास्त्री। और हमने बात की थी कि भट्ट युग, जो कि 1930 से लेकर 1960 का वर्ष है, जो कि किससे संबंधित है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से। इसके पश्चात हमने बात की थी कि इनसे संबंधित मंजुनाथ ग्रंथावली नामक संपूर्ण ग्रंथों का एक संग्रह भी प्रस्तुत किया गया है। और हमने अंतिम समय में बात की थी कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री नामक एक सम्मान भी वर्तमान में प्रारंभ किया गया है, जो कि मोहनलाल शर्मा पांडे नामक आधुनिक कवि को दिया गया था। तत्पश्चात अंतिम चरण के रूप में हमने बात की थी इनकी प्रमुख उपन्यास की, जो कि है आदर्श रमणी, जबकि इनके पुत्र लिखेंगे जीवनस्य पृष्ठद्वयम नामक उपन्यास। तो ये थी बहुत ही संक्षिप्त और सार गर्भित रूप में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से संबंधित जानकारी। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी सफलता ही हमारा ध्येय है, अतः इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी सामग्री प्रस्तुत की जा रही है उसको अधिक अधिक संख्या में लाइक भी करें और शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कलानाथ शास्त्री के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।